जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और जैसी भी है मार्केट, बहरहाल आज का भी दिन जो है वो अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि क्या वजह है कि अच्छी खासी मार्केट में रिवर्सल की बातें हो रही थी, बाउंस बैक हो रहा था, तो एकदम से जो आज का ब्लड बाथ हुआ है, इसकी क्या रीजन है? ये तो शायद आप सब लोगों को पता ही होगा जो न्यूज है सेंशंस के हवाले से। लेकिन उसके साथ कुछ और भी फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इन हो चुके हैं और जो शायद आने वाले दिनों में भी कुछ वक्तन फवक्तन जो है वो अपनी कारस्तानियां जो है वो दिखाते रहेंगे। बहरहाल चलते हैं और देखते हैं कि आज क्या हुआ। आज जो है वो मार्केट ने तकरीबन 1000.900, नहीं आप इसको 1000 ही कंसिडर करें, मार्केट ने 1000 पॉइंट निकाले हैं। और केएमई 30 की ऑल शेयर्स को देखें तो उसमें से 500 पॉइंट निकले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, आज जो है, आज आप इसको मार्केट का डाउनफॉल नहीं कह सकते, इसको आप कुछ, मेरा ख्याल है कि शायद आप इसको क्रैश भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो क्रैश होना होता है वो मामलात किसी और किस्म के होते हैं। अगर मार्केट जो है वो कल जो 400 पॉइंट्स की मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी, अगर वो ना दिखाती और मार्केट इस कॉन्टिन्यूटी को जारी रखती तो फिर हम इसको क्रैश कंसिडर करते हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि वक्त ही है, शायद वक्त में आगे कुछ इस तरह के कुछ एक एक रात मामलात आपको और देखने को मिले, तो इसलिए जहनी तौर पर जो है वो आपको तैयार रहना चाहिए। KMI 30 की बात करें तो 1500 पॉइंट्स जो है वो उसमें से निकले हैं, जो कि मेरा ख्याल है उसके बाद तो लोअर लॉक्स की लाइन लग जानी चाहिए। तो बहरहाल देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है, फिर कुछ जो है वो सोचते हैं कि आने वाले दिनों में आपका या हमारा जो लाए अमल है जो वो क्या होना चाहिए। अगर ये खुल गया तो, क्योंकि आज इंटरनेट जो है वो बहुत ही स्लो है, अगर ये खुल गया तो इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे, अगर नहीं खुला तो उतनी देर तक फिर हम समरी को डिस्कस कर लेते हैं। 311 कंपनीज जो हैं वो डाउनफॉल का शिकार हैं और 58 जो हैं वो सिर्फ एडवांस में हैं। ऑटोमोबाइल की बात करें तो सबको ही टका के जो है वो लोअर लॉक लगे हैं, लोअर लॉक ही आप इसको कह सकते हैं कि जब 170 रुपए का या 180 रुपए का शेयर हो और उसमें से 15 रुपए निकले, तो चाहे वो लोअर लॉक ना भी लगे लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि उसको लोअर लॉक ही कंसीडर करना चाहिए। आगे चलते हैं और देखिए, अब देखना ये है कि अगर आपके पास पैसा मौजूद है तो आप इससे फायदा उठाइए, और अगर आप ऑलरेडी आपका जो पोर्टफोलियो जो है वो अगर स्टक हो चुका है तो फिर थोड़ा इंतजार फरमाइए। जितना मार्केट के अंदर डाउनफॉल लगना था वो लग चुका है, और मेरा ख्याल है कि आज के डाउनफॉल को और सेंशन की जो मामलात हैं इसको शायद इतना कंसीडर नहीं करना चाहिए। आगे चलें और ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। अच्छा यार, एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं कि देखिए, ये बात अपनी जगह पर एक हकीकत है कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि उन 2-2.5 लाख लोगों में से भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना पोर्टफोलियो जो है वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं। देखें, कंसल्टेंसी लेना, मशवरा करना एक और चीज है, लेकिन अपना पैसा किसी ब्रोकरेज हाउस में रखना और उससे कहना कि वो आपका जो है वो प्लस माइनस करे, जो चाहे करे, ये इस किस्म के लोग जो है वो बहुत ज्यादा है, जो खुद स्टडीज नहीं करना चाहते, जो खुद मशवरा करके डिसीजन नहीं लेना चाहते, ऐसे लोगों की जो है ना वो बहुतात है। अब हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि जिस वक्त आपका पैसा जो मिलियंस एंड मिलियंस है वो जब ब्रोकरेज हाउस के पास पड़े होते हैं तो फिर वो उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा मेरी जो है वो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि देखिए, नफा हो या नुकसान हो,
आपको अपना पोर्टफोलियो खुद देखना चाहिए। हाँ, ब्रोकर से भी आप पूछें कि कौन से शेयर बाय करने चाहिए, कब बाय करने चाहिए, उससे भी आप मशवरा लें। आखिर वो आपसे ब्रोकरेज फी जो है वो चार्ज करता है, खुद देखने की कोशिश करें। लेकिन ये जो एक मामलात है ना कि ब्रोकर के पास पैसे छोड़ के और फिर उससे कहना कि जी उसका ट्रेडर जो है वो आपके बिहाफ पर बाइंग सेलिंग करें, मेरा ख्याल ये है कि आपको इन चीजों से परहेज करना चाहिए। और आने वाले वक्त में जब तक मेरे साथ साहब एक बात कहा करते हैं कि जब तक आप अपने मामलात अपने हाथ में नहीं लेंगे तो आपको बहुत सारे इस किस्म के शॉक्स का सामना करना पड़ेगा। कभी अपवर्ड की सूरत में, कभी डाउनवर्ड की सूरत में, अपना पैसा अपने हाथ में रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे से क्या हो रहा है, कहीं जो है वो किसी की मर्जी के मुताबिक चीजों को तो नहीं हिलाया जा रहा आपके पैसे की मदद से, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप दोस्त बाप जो है वो इस चीज पर गौर जरूर फरमाइए कि आप अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज कर रहे हैं, किसी की देखिए खुद मैनेज करने से क्या मुराद है, मशवरा आप किसी से भी लें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ब्रोकर से लें, कंसल्टेंसी सर्विस लें, खुद स्टडी करें, इससे मुझे कोई जो है ना वो समझ लीजिए कि इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मुझे इख्तलाफ सिर्फ इस बात से है कि जिस वक्त आप पैसा डाल के तो ब्रोकर से कहते हैं कि वो आपका अकाउंट मैनेज करे, ये दुरुस्त नहीं है। इस चीज को जरा गौर फरमाइएगा, इसमें आपको काफी सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि आपका कुल लॉस या प्रॉफिट की सूरत में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता हो, लेकिन उसमें देखना ये होगा कि आपने सीखा क्या और आपने आपके साथ हुआ क्या, जो ब्रोकर का ब्रो जो ट्रेडर आपके बिहाफ के ऊपर ट्रेड कर रहा है उसने किया क्या, क्या उसने किसी के कहने पर आपका पैसा लगाया या उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बाज़ औक़ात आपके पैसे से कुछ तीसरे लोग जो है वो फायदा उठा जाते हैं जो कि नहीं उठाना चाहिए। बहरहाल ये आज जो है वो मैंने काफी सीधे सीधे अल्फाज में चंद बातें जो है वो बयान की हैं। अब देखेंगे इसके रिप्लाई में जो है वो काफी सारे जवाब तो आने बनते हैं और आएंगे भी, सो आई डोंट केयर, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको अपना फैसला खुद करना चाहिए। चलते हैं जी आगे, या कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। यार ये पता नहीं इसको आज क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर रह गया देखने वाला। खैर आगे चलते हैं जी, और ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की बात करें तो मां सवाए एक्साइड के बाकी सब का बुरा ही हाल है। अब देखना ये है कि कौन कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनमें से कितने परसेंट निकला है और उनके रिवाइवल के कितने चांसेस हैं। वेव्स आज फिर 1 रुपए 18, 1 रुपए 14 पैसे नीचे चला गया है और पहल भी 1 रुपए 81 पैसे। सीमेंट सेक्टर का तो बहुत ही बुरा हाल है और सिरकता ही जा रहा है नीचे की जानेब, तो सिरकने दें भाई, अब जो होना था सो हो चुका। अब मेरा ख्याल है कि और क्या होगा। केमिकल सेक्टर में भी अच्छी खासी जो है वो दुर्गत बनी है, बर्जर में से 6 रुपए निकले हैं। अब देखिए 100 रुपए के शेयर में से 6 रुपए निकला, 6 साढ़े 6 रुपए निकले हैं, ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। एंग्रो पॉलीमर केमिकल प्रेफरेंस शेयर्स प्लस में रहे और ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं उसमें 2 रुपए 16 पैसे की कमी है। कमर्शियल बैंक्स में भी आज अच्छी खासी मार पड़ी है, क्योंकि देखिए ये जिस किस्म की बातें हो रही है ना कि अगर इस किस्म के मामलात वाकयतन जो है वो हकीकत का रूप धार लेते हैं तो उससे सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर होगी वो आपका बैंकिंग सेक्टर होगा, ये आप जरूर जहन में रखिएगा। क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है ना, इनके पास आ जाके होता क्या है, इनके पास होती है एक्सेस। तो एक्सेस जो है ना जब वो लिमिटेड हो जाए ना किसी भी वजह से, तो फिर इनके पास, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर है ना, तो सर्विसेज सेक्टर को का गला आप जब चाहें एक वो क्या कहते हैं बड़े आराम के साथ उसका गला दबा सकते हैं। सर्विसेज सेक्टर का गला दबाना बहुत आसान है, क्योंकि इनके पास होता क्या है, इनके दफ्तर के अंदर एक मेज और एक कुर्सी होती है, उठा के बाहर बैंक तो दफ्तर बंद।
ठीक है ना। इन्होंने कौन सा अंदर कोई मशीनें लगाई होती हैं कि जिनको उठाना और वो निकालना और ये और वो बड़े मामला? कुछ नहीं है सर, सर्विसेज सेक्टर जो है ना वो मेज कुर्सी की मार होता है, तो इसलिए इनको ना डर खौफ भी बहुत ज्यादा होता है। अब ये मेज कुर्सी से मुझे, कुछ हमारे भाई भी हैं जो सिर्फ सड़क के ऊपर मेज कुर्सी रख के बैठते हैं, मेरा कतअन उनके हवाले से बात नहीं है, मैं ये बैंक्स की बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं जी, और इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करते हैं। इंजीनियरिंग में वही मार पड़ी है जो सीमेंट को भी पड़ी है। देखिए आज की जो मंदी है ना, या आज का जो ये डाउनफॉल है, ब्लड बाथ है, कुछ भी कहें सर, ये एक्सीडेंटल है। और एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि मैंने कुछ सोशल मीडिया पर चीजें देखी हैं, कुछ एक साहब का जो है वो ट्वीट जो है वो बड़ा रीट्वीट और बड़ा जो है इधर उधर फैलाया जा रहा है। परहेज ही फरमाएं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। आगे चलें जी, फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें तो मेटको और मरी बेवरीज जो है ये रहा ऊपर, और नेशनल फूड जो है वो रहा नीचे। हाँ यार, कल नेशनल फूड के हवाले से मेरा ख्याल है शायद वो खुशी में मैं कुछ ज्यादा ही कह गया कि शायद 10 रुपए ऊपर है, लेकिन वो 10 रुपए ऊपर नहीं था। तो बहरहाल कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कुछ देखने में फर्क पड़ जाता है, आखिर जाहिर सी बात है उम्र का तकाजा है, नजर कमजोर हो जाती है बंदे की। आगे चलें जी, ग्लास एंड सिरामिक्स को भी आज उतनी मार तो खैर नहीं पड़ी जितना इनका कल रिवाइवल था। इंश्योरेंस डूब गया सारा। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो एस्कॉर्ट में से सिर्फ 28 पैसे निकले हैं, और फर्स्ट नेशनल इक्विटीज में निकले हैं 32 पैसे। और क्या निकलेगा, जूस तो सारा इनका निकल चुका है, अब तो चीजें जो है वो बिल्कुल जो है वो आ गया जी। अपर कैप की बात करें, ये जरा डिस्कस कर लें, फिर वापस चलते हैं समरी के ऊपर, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समरी आज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, समरी का सबको पता है क्या हुआ, लेकिन लोअर लॉक्स देखने हैं हमने कि वो कितने लगे हैं, और लोअर लॉक लगे हैं सिर्फ 11। और देखिए जेएसएल है, इकोप है, बॉक्सले है, बादशाह है, एजीपी है, एडोस है, कोई खास अब लोअर लॉक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि कोई कंसीडरेबल भी नहीं है, कोई ऐसा शेयर नहीं है कि जिसके लोअर लॉ को कंसीडर किया जाए। ये बड़ी अहम चीज है। इसका मतलब क्या है, आज फिर ये आगे जाएंगे ना कैंडल के ऊपर तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए यहाँ तो लगते हैं ना, यहाँ पर लोअर लॉक लगते काफी सारे शेयर्स को। देखिए लोअर लॉक का मतलब क्या होता है, ये आज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, क्योंकि ये आजकल की जो मार्केट की सूरत हाल चल रही है ना, इसमें शेयर्स जो है वो तो आप कुछ भी देख लें अपनी मर्जी के मुताबिक, चाहे अकड़ बकड़ बम्बे को करके जो है वो शेयर चूज कर लें, वो भी चल जाएगा। ऐसा हमारी एक्सपर्टीज का जो है ना वो इतना खास नहीं है आज मामला। देखिए लोअर लॉक का क्या मतलब होता है, लोअर लॉक का मतलब ये होता है कि एक बंदा एक चीज को बेचने के लिए मार्केट में खड़ा है और उसका बायर नहीं है, इसका मतलब होता है लोअर लॉक। लेकिन जब चीजें डाउनफॉल का शिकार हो, चाहे 10 रुपए निकले, 5 रुपए निकले या 3 रुपए निकले, लेकिन जब तक किसी चीज का खरीदार जो है वो मंडी के अंदर खड़ा है, इसका मतलब ये है कि उस चीज के अंदर अभी जान बाकी है। देर इज अ चांसेस टू बाउंस बैक शॉर्टली, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश भी मैंने मार दी है और थोड़ा सा साथ में चीजों को भी थोड़ा सा नपे तुले अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। ये इंशाल्लाह जब कैंडल देखेंगे तो काफी सारी चीजें जो है वो हमें वाजिया हो जाएंगी। मार्केट के डाउनफॉल से किसी को इख्तलाफ नहीं है, मुझे भी बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन लोअर लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं ग्राफिकल व्यू को, और फिर सीधा कैंडल पे चलते हैं। अगर जब तक ये खुलता है फिर कैंडल देख लेते हैं, क्योंकि आज जरा थोड़ा सा मामला खराब है। देखिए ये मैंने आज थोड़ा सा ना इसको चार्ट को छोटा किया है, ताकि मार्केट की हिस्ट्री जो है उसको थोड़ा सा मजीद अच्छे अंदाज में देखा जाए। तो आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जो है ये मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की थी कि मार्केट का जो बाउंस बैक था
44,000 से, उसके पीछे क्या राज था और उसके क्या मामला थे। फिर हमने वो एक एम भी बनाया था और उसके साथ हमने ये भी देखा था कि वहां से चीजें बाउंस बैक की थी। अब आज की जो कैंडल है, अगर आप इसका जायजा फरमाइए तो आज की कैंडल में भी एक अच्छी विक जो है वो आपको देखने को मिल रही है। जबकि कल की अगर हम बात करें, यस्टरडे की, तो उस दिन भी मार्केट बहरहाल ग्रीन थी, हम उसको इग्नोर करते हैं और उससे पिछले दिन की बात करते हैं, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी विक जो है वो नीचे मौजूद है। अभी देखें, ये सारी चीजें इस बात को जाहिर कर रही हैं कि मार्केट के अंदर बायर मौजूद है, कोई है जो खरीद रहा है, कोई है जो खरीद रहा है। अब ये आपने देखना है कि अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप किसी चीज को, अब देखिए, मैं गुज़िश्ता, अब देखिए, अब वो बाजू का दोस्त कहते हैं जी कि आप जो है वो फिर काफी सारी चीजें इधर उधर की भी बोल जाते हैं। अब आप देखिए कि कल मार्केट जिस वक्त प्लस में हुई है, तो मैंने अपने दोस्तों को मैसेज ये किया था कि मार्केट की इस ग्रीनरी से आपको इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आज सुबह तो मैंने बाकायदा तौर पर वॉइस मैसेज भेजा तफसील के साथ, जिसमें मैंने उनसे ये कहा कि मार्केट के इस बाउंस बैक से, जो कि गुज़िश्ता दिन हुआ, इससे इंप्रेस होने की इतनी खास जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, हमारा सिर्फ जो काम है ना वो इसी चीज का ही है, एक एक्सपर्ट कह लें, कुछ कह लें, जो थोड़ा बहुत हमें देखने को, समझने को, हमें अंदाजा लगाना आता है थोड़ा बहुत, ये हमारा सिर्फ यही मकसद होता है कि हमने सिर्फ जो है ना वो बेल बजा देनी होती है कि जी ये चीज ऐसे होने लगी है, या इस चीज में से आप इस तरह से निकल सकते हैं, या इस तरह से आप फंस सकते हैं, या आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और हमने क्या करना है, और हमने कुछ नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब आप ये आज की कैंडल को देखिए, तो इसमें भी अच्छी खासी विक है, अच्छी खासी खरीदारी आज भी हुई है, किसी ने माल उठाया है, और शायद कुछ लोगों ने, उन्होंने ही उठाया है जिन्होंने ना सिर्फ के ट्वीट फरमाए हैं और उसके साथ साथ और भी बड़े काम किए, ठीक है ना। आप किसी का नाम नहीं लेते, वो क्या कहते हैं, बस एक शेर शेर सुनाएंगे आपको, और वो भी अगर सही ना आए तो, हाँ ये जरा डिस्कस कर लें यार। टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो आज भी पहले नंबर पर, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो है वो सबसे लास्ट पे है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें, यार आज मजा नहीं आ रहा वीडियो बनाने का, काफी चीजें जो है वो ऊपर नीचे हो गई हैं, छोड़ दें यार, अब हम बात ही नहीं करेंगे वो। तो बस ये बात है जी, आज कैंडल शैंडल क्या देखनी है, सब कोई पता है कि क्या सूरत हाल चल रही है, कुछ ज्यादा एफिशिएंसी जानने का आज मजा नहीं आया। हाँ, सिर्फ एक जो है ना वो शेर से इख्तिताम करेंगे कि वो शेर शायद मुझे सही तरह से नहीं आता, लेकिन फिट बड़ा बैठता है आज की वो जो अफरा तफरी है ना सोशल मीडिया पर और बाकी मामलात में, वो ये है कि शरीके जुर्म ना होते हैं तो मुकबरी करते शरीके जुर्म ना होते तो मुकबरी करते, वो क्या हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है ना वो क्या कहते हैं जी, इख्तिताम करते हैं वीडियो का। शेर साथ शायद मुझे सही तरह ना तो सुनाना आया है, शायद उसमें तलफ़ुज़ भी ठीक होगा और कुछ मिसरे भी आगे पीछे हुए होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैसेज डिलीवर हो गया होगा कि मैंने क्या कहना था। तो अपना ख्याल रखिएगा यार। अब देखिए, मार्केट जो है वो 47,000 से गिरनी शुरू हुई और 44,000 पर तो आ गई है, 44,000 समथिंग पर है, लेकिन चलें 44 की हमारी ख्वाहिश है, जहां से ये मार्केट का बाउंस बैक पिछले लास्ट टाइम हुआ था। तो अब सुकून फरमाइए, भाग दौड़ करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, पैनिक होने से कुछ नहीं मिलेगा, और फौरन फौरन डिसीजन करने से बचिए, आराम कीजिए, सुकून कीजिए, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। अगर आपके पास कैश मौजूद है मजीद, तो उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट फरमाइए अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और यही वक्त है चीजों को खरीदने का। जब चीजें बहुत ज्यादा नीचे चली जाएं तो उनके ऊपर गौर फरमाना चाहिए, ताकि जब हालात बेहतर हों तो आप जो है वो उसके बेनिफिशरी
सबसे पहले हों। अल्लाह हाफिज़।